हमने अपने विजन से देखा कि प्रोडक्ट खरीद लेंगे। हम शुरू हुए थे वहां से कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, और हमारी लड़ाई किससे चल रही है? डिस्ट्रीब्यूटर से, कि डिस्ट्रीब्यूटर जैसे 1,25,000 कस्टमर को सामान बेचता है तो 25 लाख रुपए महीना कमाता है। क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? हाँ, इसी को चेक करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक लीडर वो सोचेगा, क्योंकि अब आ रही है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात। जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक गोल बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद उसका एक्शन प्लान तैयार करते हैं। तो प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत कहां से की थी? एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, आपका घर, आपकी गाड़ी, और वो ख्वाब सारे पूरे होते हैं पैसों से। उस ख्वाब को कन्वर्ट कर देते हैं हम पैसों में, और जब हम उनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके लिए हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि ये पैसे मैं इस डेट तक कमाने लग जाऊंगा, और जब मैं इतने पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मेरे गोल पूरे हो जाएंगे। और वो जो मैं ख्वाब देखता हूँ, गोल बनाता हूँ कि इस डेट तक मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद अगला लक्ष्य आ जाता है कि पैसे बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा। वी कॉल इट प्लानिंग। ठीक है, तो ग्लेज में आपको करना क्या होगा? ग्लेज में हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? डुप्लीकेशन का। आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे नीचे 1,25,000 फैमिली होंगी जो हर महीने 2,500 रुपए का सामान खरीद रही होंगी। ये हमारा गोल है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं चीजों को। अब सवाल है कि ये कैसे होगा। हमने देखा था कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, हमें तो थोड़े से शुरुआत करनी और मेहनत करके धीरे धीरे उस मुकाम को हासिल करना है। तो सबसे पहले हमने इस बिजनेस का एक मूल मंत्र समझा, और वो मूल मंत्र क्या है कि दिस बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ। आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल मंत्र ये है, जो आपको सुबह, दोपहर, रात, शाम जपना चाहिए। मेरे साथ 5 बार बोलिए, आवर बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ, बिजनेस ऑफ, बिजनेस ऑफ, बिजनेस ऑफ। अब पूरा शाम तक ये शब्द यूज होने वाला है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसी पे सारा आधार टिका हुआ है। आवर बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हमारा बिजनेस है नकल का बिजनेस। पर सवाल आता है, नकल किसकी? अगर आपको परीक्षाओं में नकल लीगल कर दी जाए कि नकल मारना अलाउड है, अगर आपको एग्जाम में नकल मारना अलाउड कर दिया जाए और लीगल कर दिया जाए, और आपको छूट दे दी जाए कि क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से किसी की भी कॉपी की नकल मार लीजिए, तो आप किस बच्चे को चुनेंगे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? किसने बोला टॉपर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 100 में से 100 आते हो, अगर आप उसकी कॉपी की हूबहू कॉपी कर लें, आपके कितने नंबर आएंगे? कितने आएंगे? हमारा बिजनेस भी इसी चीज का बिजनेस है। अवर बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। मगर सवाल आता है, डुप्लीकेशन किसका? फिर से वापस, डुप्लीकेशन किसका? टॉपर का। किसका डुप्लीकेशन? अब चूंकि आप वो लीडर हैं जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन किसका चलेगा? आपका। किसका चलेगा? आपका। आप जो कुछ भी हैं, आपकी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेशन बनेगी। तो इसीलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा काम आपको किस पे करना चाहिए? खुद पे, क्योंकि आपकी आगे कार्बन कॉपियां तैयार होनी है। जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उस बिल्डिंग के अंदर ईंटें लगती हैं। इन ईंटों को इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं, और ये ईंटें एक जैसी होंगी तो बिल्डिंग क्या बनेगी? मजबूत बनेगी। और ये ईंट, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रही है, अगर ये ईंटें मजबूत होंगी तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? मजबूत बनेगी। तो हमारा बिजनेस दोस्तों
डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहां डुप्लीकेशन किसका होता है? आपका। किसका होता है? आप अपने नेटवर्क से जो भी उम्मीद करते हैं, आप अपने डाउनलाइन से जो भी उम्मीद करते हैं, चाहे बिजनेस की, चाहे व्यवहार की, चाहे आचार की, चाहे उसके ईमानदारी की, उसकी इंटीग्रिटी की, जो भी गुण आप उसके अंदर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे, आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, वो अपने आप करेगी। बिकॉज मैंने एक गुण बताया था, लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल, लीडर उदाहरण के साथ लीड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ईमानदार हो, आप ईमानदार रहिए। अगर आप चाहते हैं डाउनलाइन खूब रिटेल करे, आप रिटेल करिए। अगर आप चाहते हैं डाउनलाइन अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, आप इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं डाउनलाइन 6 डायरेक्ट मारे, आप भी 6 मारिए। अगर आप चाहते हैं डाउनलाइन 12 डायरेक्ट मारे, आप भी 12 मारिए, क्योंकि वो आपकी कार्बन कॉपी बनने वाले हैं। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप करें कुछ और बोले कुछ। अगर आप करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, डाउनलाइन को असर नहीं होगा कुछ। क्लियर? बिकॉज एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग, एक्शन इज ऑलवेज लाउडर देन स्पीकिंग। एक्शन ज्यादा पावर रखता है, लीडर एग्जाम्पल से लीड करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक दुकान में दो मैनेजर हैं, बर्गर शॉप है, उसमें दो मैनेजर हैं, और एक मैनेजर है जो हमेशा अपने फोन पे लगा रहता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबको बोलता रहता है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। और अगर कोई और फोन इस्तेमाल करे, कहा ना फोन करना अलाउड नहीं है, तो वो लोग डर के मारे शायद फोन ना यूज करें। पर मुझे आप सोच के बताइए, क्या आप उन एम्प्लॉय की जगह होते तो उस मैनेजर की इज्जत करते? क्या आप में इंटीग्रिटी बचती? इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। जैसे वो बाहर जाती, आप खुद फोन यूज करने लग जाते, होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप अच्छे लीडर नहीं हैं, तो आप अपने नीचे लीडर्स बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। आवर बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो अब अगर हम इतने बड़े खाब को देख रहे हैं कि हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जहां 101,25,000 फैमिली हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और जिसकी वजह से आप रिच हो जाएंगे, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी जो पहली ईंट है, वो कौन है? आप हैं। तो देखें आपकी ईंट में क्या बात होनी चाहिए। ये रही पहली ईंट, यानी आप। हमारे बिजनेस में सिर्फ 3 ही कदम है। सबसे पहले इस ईंट को क्या करना है? इट हैव टू बी यूजर ऑफ प्रोडक्ट। आप कम से कम 2,500 रुपए के हर महीने प्रोडक्ट खरीदिए, और अपने घर में होने वाली सारी परचेजिंग आगे से गैलवे से होगी, इस बात का प्रण लीजिए सबसे पहले। और इसमें आप ही का फायदा है। जब आप पूरी बात समझेंगे तो आप खड़े होकर क्लैपिंग बजाएंगे। सुनिए आप ध्यान से। पहला नियम यह है कि आप जो भी घर में प्रोडक्ट होते हैं आपके, वो सारे के सारे गैलवे से खरीदेंगे। ये टू वे है। एक तरफ आप ये नियम बनाएंगे, दूसरी तरफ हम ये जान लगाएंगे कि आपको कुछ भी बाहर से खरीदने ना दें। आप कपड़े पहनेंगे ग्लेज के, आप टाई पहनेंगे ग्लेज की, आप कोट पहनेंगे ग्लेज का, आप पैंट पहनेंगे ग्लेज की, आप बेल्ट पहनेंगे ग्लेज की, आप पर्स लेंगे ग्लेज का, जूता लेंगे ग्लेज का, आप जुराबे लेंगे ग्लेज के, आप बर्तन लेंगे ग्लेज के, आप कुकर लेंगे ग्लेज के, आप प्लेटें लेंगे ग्लेज के, आप हर चीज। से यही तो टीम वर्क है। आज ये यात्रा शुरू हो गई है, और आपको अच्छे से मालूम है जब जब जो जो इस स्टेज से बोला गया है वो हुआ है। अपने सुझाव भी भेजिएगा, उसके आईपी कम कर देंगे, कोई बात नहीं,
मार्जिन कम होगा, मार्जिन कम रखेंगे लेकिन हर चीज लेके आएंगे। एक रुपया बचेगा बचाएंगे, बाहर वालों को क्यों दें? एक रुपया बचेगा जेब में लाएंगे, कोई बात नहीं बाहर वाले को क्यों दें? तो 2500 रुपए के पहला नियम, कम से कम आपको प्रोडक्ट अपने लिए, अपने घर के लिए, आपका प्रोडक्ट, वाइफ का प्रोडक्ट, बच्चों के प्रोडक्ट, माता पिता के प्रोडक्ट, बुजुर्गों के प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट, घर में अगर जानवर है तो उसके भी प्रोडक्ट, वो भी हम लाएंगे। आप अपने सुझाव भेजिएगा हमको, आप बताइएगा हम क्या क्या खरीदते हैं, हम उन पे विचार करेंगे और जो पॉसिबल होगा लेके आएंगे। तो आप पहला नियम बनाएंगे कि हम कम से कम 2500 रुपए के प्रोडक्ट खरीदेंगे। आई विल बी 100% यूजर हर महीने। एक दूसरा 2500 रुपए, इसको मानिए ये जो ईट है ये एक छोटा सा गैलवे स्टोर है। अगर मैं हूं और मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे जान पहचान है, मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास मेरे साथी हैं जो मुझ पे भरोसा रखते हैं, अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कितने लोगों की? इन 100 लोगों में जब आप उन्हें सेमिनार दिखाते हैं तो कुछ लोग होंगे जो आपके साथ जुड़कर बिजनेस करेंगे और वो कहलाएंगे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते, इनको आप बना सकते हैं कस्टमर, और कस्टमर में भी कौन? यूजर डिस्ट्रीब्यूटर। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप कम से कम इस गैलवे स्टोर से महीने का 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचें। और उसमें बेचना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 10 परिवार अपने साथ जोड़ने हैं जो कि अपने ही हैं। हर महीने फोन करके उनसे ऑर्डर लेना है और उन्हें प्रोडक्ट देना है। आपको घर घर जाके नहीं बेचना है, बस आपने ये देखना है कि मेरी ये जो ईट है जिसको मैंने ईट बनाया है, जो डुप्लीकेट होने वाली है, इस ईट में हर महीने 10,000 रुपए का बिजनेस हो। अगर 10 परिवार हैं और 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट लें, और आप उन 10 परिवारों को मानिए कि वो सब गीता और राज हैं, क्या वो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट नहीं लेंगे? क्या नहीं लेंगे? इससे ज्यादा के लेंगे। मैं तो कम से कम कह रहा हूं, कम से कम, बेशक इस 10,000 में 2,500 अपने माइनस कर लो, सिर्फ 7,500 के बेच लो। इस हिस्से से कह रहा हूं मैं, वो हिस्सा जो आपके साथ जुड़ के नेटवर्किंग नहीं करता। इस ईट में आपके पास 10,000 रुपए महीने का बिजनेस होना चाहिए। कुछ भी बेचो, धोती भी लाएंगे, गमछा भी लाएंगे, सब लाएंगे। आपके पास 10 डेडिकेट परिवार होने चाहिए। और मैं आपको सिखाऊंगा कि जब 10 परिवार आपके साथ जुड़ जाएंगे तो कौन सी तकनीक यूज करनी चाहिए कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो हर महीने खरीदेंगे, उनका खुद फोन आएगा, भाई इस बार ये भेज दियो। सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है आपने कि उनको ये प्रोडक्ट उनके घर पहुंचाने। अगर 10 परिवारों को एक महीने में प्रोडक्ट पहुंचाने पड़े और आने वाले वक्त में आप डिस्ट्रीब्यूटर जितना पैसा कमाए, तो क्या ये मेहनत ज्यादा है? आपको भी खुद बता रहे थे आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सामान पहुंचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं तो सिर्फ 10 परिवारों की बात कर रहा हूं। 10 परिवार ऐसे जोड़ने हैं जिनको आपने प्रोडक्ट देने हैं और शानदार कस्टमर सर्विस देनी है। क्या देनी है? कस्टमर सर्विस में क्या आता है? कस्टमर को घर पे प्रोडक्ट देना, उनका फीडबैक लेना, अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसे सॉल्व करना, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखाना, उनको होली दिवाली दशहरे पे कुछ ग्रीटिंग देना, कुछ मिठाई भेजना। ये 10 परिवार आपके, आपको रईस बनाने वाले हैं। 10 परिवार आपके भगवान हैं। ये मान के इन 10 परिवारों की सेवा करना, ये लोग आपको करोड़पति बना देंगे। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ ये बात, इस पर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। ये 10 परिवार आपको करोड़पति बना देंगे। आप हैरान होंगे कि मैं खाली 10 परिवार से आपको कैसे करोड़पति बनाने वाला हूं, पर बनोगे आप। आपने इन 10 परिवार का ख्याल रखना है।
क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो तुम करोगे वही आगे जाएगा, जो तुम करते नहीं हो वो आगे जा नहीं सकता। तो क्लियर है? तो ये ईंट जो आपने बनाई है, इसमें दो नियम बनाए हमने। पहला नियम क्या है कौन बताएगा? 100% यूजर, कितने के? 2500 रुपए के प्रोडक्ट के। दूसरा 10 परिवार। और जब मैं कह रहा हूं 10 परिवार का मतलब हमेशा ये 10 परिवार रहने चाहिए। 10 के 11 हो जाएं, 12 हो जाएं, 20 हो जाएं, ये आपका मामला, लेकिन कम से कम 10 चाहिए। अगर आपकी इच्छा है मुझे ज्यादा करने हैं वो आप करिए, मैं तो आपसे जो विजन हम लेके चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं कि 10 परिवार चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कितना बोला मैंने? आपकी सीट से टोटल कितना बिजनेस आना चाहिए? तीसरा पॉइंट है कुल 10,000 रुपए का बिजनेस चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसे मानिए कि आपने एक रिटेलर शॉप खोली है जिससे सिर्फ और सिर्फ 10 कस्टमर हैं और कुल 10,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, और देखो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा पैसे कैसे कमाएंगे। क्लियर है? मान लो ये हो जाएगा, आपको लगता है ये पॉसिबल है? अब मैं आपको दिखाता हूं इसका कमाल। मैंने कहा हमारा बिजनेस किसका है? डुप्लीकेशन का। और आपने एक शुरुआत करी एज ए लीडर, और आपने एक छोटा सा रिटेल स्टोर खोला, और ये रिटेल स्टोर खोला आपने अपने घर पर। आपने अपने घर पे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदा, और आपको अपने घर के कोने में एक छोटी सी टेबल पर एक गैलवे डिस्प्ले कॉर्नर बनाना है जहां आप ये प्रोडक्ट सजाएंगे। आप कभी किसी ऐसे दुकानदार के पास सामान खरीदने जाएंगे जिसकी दुकान में खाली शटर लगा और अंदर माल ना हो? हैं? और आपको वो पेन पेपर लेके बोले भाई साहब ले लो सामान, और आप कहेंगे लाओ दे दो, ऐसा होता है क्या? और हमारे यहां तो बायबैक पॉलिसी है ना, रिफंड पॉलिसी है, तो 10,000 तो कुछ भी नहीं होता। अभी तो 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने को फिर रहे थे आप। तो आप 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदेंगे और इसे एक कॉर्नर में डिस्प्ले करेंगे सुंदर सा लगा के। ये जादुई कॉर्नर है, इसे हम बोलेंगे गैलवे डिस्प्ले कॉर्नर। डिस्प्ले मतलब जहां प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ताकि आपके घर में जब लोग आपके रिश्तेदार आए, आपके दोस्त आए, आपके फ्रेंड्स आए, तो आपको कहना है बस मैंने इस कंपनी की प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और एक बार आप इस्तेमाल करो। वो भी मैं टेक्निक सिखाऊंगा, अभी आगे आएगा वो भी, आज आप ये सब सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम आ गए हैं किस जगह पे कि हमने अपनी जो कॉपी बनाई है जिसे मैं मास्टर कॉपी कहूंगा, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्या वर्ड है? मास्टर कॉपी। मैं कौन हूं? मैं एक मास्टर कॉपी हूं, और मैं एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करने वाला हूं जो मुझे डुप्लीकेट करेगा। इस लाइन पे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या स्लोगन है? मैं एक मास्टर कॉपी हूं और मैं इस कॉपी का एक नेटवर्क खड़ा करने वाला, यानी मेरे नेटवर्क में ये सारे नियम फॉलो होंगे। नंबर एक 100% यूजर ऑफ 2500, 2500 के प्रोडक्ट का 100% यूजर हूं मैं प्रोडक्ट का। नंबर दो, दूसरा नियम क्या फॉलो होगा? 10 परिवार गरीबी व्यवहार, और कुल बिजनेस कभी 10,000 से नीचे नहीं होगा, 10,000 से ऊपर ही होगा। ये वाला डुप्लीकेशन मुझे मेरे नेटवर्क में चाहिए, तो मैं ये मास्टर कॉपी बनूंगा, और नीचे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इसी मास्टर कॉपी की कार्बन कॉपी बनेगी। ठीक, इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये मास्टर फ्रेंचाइजी हूं मैं। एक नारा और भी हो सकता है, मैं कौन हूं? मास्टर फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी के बिजनेस में क्या होता है? नीचे हूबहू खुलता है सब कुछ। क्या खुलता है? हूबहू जो जो आप करेंगे वो नीचे जाता है। मैकडॉनल्ड की हर फ्रेंचाइजी एक जैसी होती है, होती है कि नहीं होती है? मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस कैलकुलेशन दिखाता हूं, एक विजन दिखाता हूं, जहां हम देखेंगे कि हम इस यहां इस बिजनेस से कितने पैसे कमाने वाले हैं। एक शीट आपको सामने दिखाई दे रही है, मैं यही शीट पर यहां एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एज कल टू योर डाउनलाइन, पी इज कल टू
डाउनलाइन ऑफ ए एंड जो सी है वो डाउनलाइन ऑफ बी है। एक छोटा सा बिजनेस कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं मैं आपको, फिर इस बाद में इसकी प्लानिंग करेंगे। आप सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं यहां पे सिर्फ नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूं। आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उसके बाद आपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जब इसमें हम, अब जो मैं बात कर रहा हूं कि हम नए जन्म की बात कर रहे हैं, इसमें जो पद्धति है वो 1-to-1 है। अगर आप किसी को भी बुलाते हैं और उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जब 100 लोगों को आप दिखाएंगे तो उसमें से एवरेज 50 लोग 50% आपके कस्टमर बनने को तैयार हो जाते हैं और 50% आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको 20-30% ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आपके इसमें से। तो अगर आप महीने में 20-30 गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर 30 गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपको 6 लोग एज ए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि कोई मान लीजिए एक महीने की पहली तारीख को हमारे यहाँ ज्वाइन कर गया है और उसने काम शुरू कर दिया है, तो 4 महीनों में हमारा नेटवर्क कहाँ पहुंचेगा, और आप एग्रेसिव हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये आपको मैं यू से, वाई से डिनोट कर रहा हूं, वाई। ठीक, किससे डिनोट कर रहा हूं? वाई से। और आपने जो बिजनेस किया वो कितने रुपए का किया है? 10,000 रुपए का बिजनेस किया है। तो पहले महीने, ये पहला महीना लिख रहा हूं, पहले महीने आपने खुद 10,000 रुपए का बिजनेस किया, ये आपका बिजनेस आ गया। उसके बाद आपने कितने लोगों की टीम खड़ी कर ली? कितने लोग मान लो? 6, 4, 3, 2, 4। ओके, मैं 3 ले लेता हूं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव, ना 4 की, ना 2 की, ना 6 की, 3 ले लेते हैं। तो मैंने लिखा ए इज योर डाउनलाइन, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ वो आपकी डाउनलाइन है। ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये आ गया ए। ठीक, आप कुल मिला के बता सकते हैं कि टीम का साइज कितना है? आपको मिला के टीम का साइज हो गया 4, और हर व्यक्ति अगर 10,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है तो कितना डीपी टर्नओवर होगा? 10,000 × 4, 40,000। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगले महीने आप अपनी 3 डायरेक्ट के अलावा कोई और डायरेक्ट करना चाहेंगे? हमारा लक्ष्य कितना है? 6 डायरेक्ट करने का। 10 तो हमारे कस्टमर हैं, ये नेटवर्किंग अलग चल रही है। 10 परिवार गरीबी पे वार, वो हमारे कस्टमर हैं, वो हमारे वो नहीं है, नेटवर्कर नहीं है। ठीक है, अगर उसमें से कोई फ्यूचर में नेटवर्कर बनता है तो आपको फिर से 10वां परिवार जोड़ना है, वो 10 परिवार कम नहीं होने देने आपने। अगर आपने 10 परिवार को कस्टमर बनाया है और बाद में वो आपका चेक देख के, आपकी तरक्की देख के बोले कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो आप उसको बोलिए मोस्ट वेलकम, लेकिन तब तक आप ये सोचिए कि मेरे को 10 परिवार खत्म नहीं होने देने, 10 में से 9 रह गए, 10वां और जोड़ो। 10 परिवार हमेशा, आपकी खुद की दुकान हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, तभी आपकी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट में रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी फ्रेंचाइजियां सक्सेसफुल हो, तो आपकी अपनी मास्टर कॉपी हमेशा काम करती रहनी चाहिए। कुछ लीडर ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरा नेटवर्क इतना बढ़ गया है, मेरे को उन 10 कस्टमर को देखने की क्या जरूरत है। लेकिन जो अपने भगवान की सेवा नहीं करता, उसका भगवान रूठ जाता है। तो अपने भगवान हमेशा संभाल के रखो, और आपके भगवान कौन है? आपके कस्टमर। आपके भगवान की रज के सेवा करिए, तभी नीचे सभी भगवान की सेवा होगी, और जब होगी तो तभी आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। 40,000 रुपए का बिजनेस हो गया,
अगले महीने आप कितने करेंगे? आप ही की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये सेकंड मंथ। 3 आपने पिछले महीने कर लिए थे, 6 डायरेक्ट का टारगेट है, 6 लाइनें खोलनी है हमको। कितनी खोलें अगले महीने? 1 के 2 3 2 1। चलो 1 ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो आए हैं 1 2 3 जो कि आपका डुप्लीकेशन है, ये भी तो अगले महीने डाउनलाइनें खोलेंगे, तो बताइए ये कितनी खोलेंगे? हाँ जी, सबकी कितनी कितनी खुलवा दूं? 3 3 खुलवा दूं? चलिए सबकी 3 3 खुलवा दी मैंने। कोई बता सकता है टीम साइज कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 नए लोग आए और 4 पुराने थे। 10 और 4 टोटल टीम साइज क्या हो गया? और चूंकि 14 के 14 लोग आपका डुप्लीकेशन है और सबकी दुकानें चल रही हैं और हर व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए का ऑर्डर ले रहा है, तो सेकंड मंथ में आपका कुल टोटल टर्नओवर बिजनेस कितना होगा? 14 × 10,000, 1,40,000। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको पकड़ लेते हैं। हर बार जाएंगे हम आपके पास आएंगे, फिर इस डाउनलाइन के पास आएंगे, फिर इसके पास आएंगे, फिर इसके पास आएंगे। ठीक, अगले महीने चलते हैं। आपकी अब तक कितनी डायरेक्ट हो चुकी हैं? 4। कितनी बाकी हैं? अगले महीने में दोनों कराऊं या एक ही कराऊं? 1। चलिए 1, ये 1 आ गया ए नंबर। अब इनको पकड़ते हैं। इसकी 3 हुई थी, इसकी भी 3 हुई थी, इसकी भी 3 हुई थी, इनकी कितनी कराएं अगले महीने? 1 1। लीजिए, ये आ गई इसकी बी, ये आ गई इसकी बी, और ये आ गई इसकी बी। अब ये जो बी आए थे पिछले महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी कितनी करेंगे? 3 3 करा दूं? चलिए, अगर मैं इनकी 3 3 करा देता हूं तो 9 × 3 कितना हो गया? 27। हाँ, ये 3 3 थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? कोई 3 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 1 करेगा, एवरेज 2 ले लूं? हाँ, प्रैक्टिकली 2 ले लूं? तो ये हमारे 9 लोग हैं, इनको मैं मिला देता हूं 9 × 2, 18 लोग ये कर देते हैं। 18 कौन आए हैं? ये सी आए हैं, सी। तो 18 सी आ गए हमारे पास। ठीक, अब मुझे बताइए टीम साइज कितना हो गया? 1 18 19 20 21 22, 22 ये और 14 पिछले, तो टीम साइज हमारा कितना हो गया? 14 + 22 कितना हुआ? 36 लोगों की टीम हो गई है। कितने लोगों की हो गई? 36 लोगों की। अगर 36 के 36 लोग 10,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो कितना हो गया? 3,60,000 रुपए का टर्नओवर आपके नेटवर्क में हुआ। अब चलते हैं चौथे महीने में। आप की 5 हुई है, छठी करा दूं? ये लीजिए ए आ गया यहां पे। अब ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने पिछली बार कितनी की थी? इनकी हो चुकी है 1 2 3, और 2 2 इन्होंने अगले महीने की थी, तो 5 5 इनकी भी हो रखी हैं। तो इन सबकी 1 1 करा दूं? तो ये 1 1 b × 3 आ गए, 3 b यहां से आ गए। अब ये जितने बी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 b मिलके 2 2 करा दूं कि 1 1 कराऊं? चलो 1 1 करा देते हैं। 9 b है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 b है। तो मैं इनको 9 b को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, जिससे 9 b और आ गए हमारे पास। ठीक है, यहां पे 3 b आए थे और यहां 9 b आए।
अब हम सी को पकड़, हम सी को पकड़ लेते हैं ये वाले इसमें, नहीं अभी बी यहाँ पे भी है, एक बी यहाँ से आएगा, एक बी यहाँ से आएगा, एक बी यहाँ से आएगा, इनसे भी तीन बी आ गए हमारे पास, और ये 18 सी थे। अगर ये 18 सी मिलके खाली एक एक भी करें तो यहाँ पे 18 डी आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब जरा देखिए कितने लोग हो गए अगले महीने, एक ये रहा ए, एक तीन और एक चार, नौ चार 13, 13 तीन 16, 16 और 18 कितने हुए, 16 दूनी 32 और दो 34। तो हमारी 34 लोग नए हो गए, 36 लोग पुराने हो गए, 36 प्लस 34 कितने होते हैं, तो आपकी 70 लोगों की टीम हो गई। और टर्नओवर कितनी हुई, ₹7 लाख का बिजनेस होना शुरू हो गया है आपकी डाउनलाइन में। अगर मैं कहूं हम बिजनेस प्लान की गहराई में नहीं जाते, इस 7 लाख का आपको सिर्फ 1% भी इनकम आता है, कितना 1% भी, तो 7 लाख का 1% कितना होता है, ₹7,000, सिर्फ ₹7,000 महीना, ठीक। लेकिन बिजनेस का, हमारे बिजनेस का एक कमाल है कि इसमें पहला साल नहीं देखते हैं, दूसरा साल भी नहीं देखते हैं, इसमें गिनती तीसरे साल से शुरू होती है, क्योंकि बिजनेस में मेहनत चाहिए। अगर आप बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ 3 साल की बात की जाती है, पहले साल क्या बोलते हैं, पहले साल चट्टी, क्या बोलते हैं, चट्टी। चट्टी का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी बिजनेस करोगे पहला साल लॉस में जाएगा, ठीक। दूसरे साल खट्टी, खट्टी मतलब खटना, खटना मतलब दूसरे साल में आपकी इमेज बननी शुरू होती है, आप लगभग बराबर पे रहना शुरू करते हो, जितना लगा रहे हो उतना कमा रहे हो। और तीसरे साल हट्टी, हट्टी मतलब कमाना, तीसरे साल आप जाके कमाना शुरू करते हो। ग्लेज में पहला साल चट्टी नहीं है, दूसरा साल हट्टी नहीं है, लेकिन खट्टी तीसरे साल में ही है, जिसे आप एक्चुअल में खटना कहते हैं। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, आपने देखा कि 4 महीने में 70 लोग आपकी टीम में हो गए, हमने मिशन लिया 5 साल का, कितना लिया है, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे वो देखते हैं। देखिए आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिगर दी है मुझे, किसने बोला 2 ज्वाइन करा दो, किसने बोला 4 ज्वाइन करा दो, किसने बोला 1 करा दो। मैं आपसे पूछता हूं, एक अच्छे नेटवर्क की ग्रोथ, जिसको धीमी परफेक्ट बढ़िया ग्रोथ, कितने परसेंट की होती है? अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क ग्रो करता है टीम साइज में, तो मेरे हिसाब से अगर 20% की ग्रोथ है तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, मतलब मैं उसको बोलता हूं कि वो बहुत अच्छे से चल रहा है। लोगों की ग्रोथ 30% भी होती है, कईयों की 40% भी होती है, पर मैं 20% की ग्रोथ पकड़ता हूँ। 20% की ग्रोथ का मतलब होता है अगर टीम साइज 10 लोगों का है तो अगले महीने सिर्फ 2 लोगों की सील डलेगी। क्या ये प्रैक्टिकल है? हेलो, अगर मैं इसको मान लूं कि अगर 10 लोगों की टीम काम कर रही है और अगले महीने सिर्फ नेटवर्क में 2 लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको 20% की ग्रोथ कहते हैं। क्या ये ग्रोथ प्रैक्टिकल है? मैं इस 20% की ग्रोथ को पकड़ के आपको दिखाता हूं कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है? इसमें टीम साइज आप 70 है ना, आप टीम साइज 50 ले लो। मान लीजिए चौथे महीने के अंत में आपकी टीम साइज 50 है, चलेगा? प्रैक्टिकल है? 4 महीने के बाद हमारा टीम साइज कितना है, 50 है। ये आपका 5वां महीना, महीना दिख रहा है आपको, 5वां आप देख पा रहे हैं। और मैंने इसके अंदर ये ग्रोथ 20% कर दो, यहां पे 20% कर दो। मैंने 20% की ग्रोथ ली है, यानी अगर आपका टीम साइज 50 है तो 5वें महीने में वो 50 का 20% कितना होता है, 10, और 50 प्लस 10 कितना होता है, 60। तो अगले महीने टीम साइज कितना हो गया, 60। ये पूरा मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है एक्सेल के अंदर, जिसमें आपको टीम साइज दिख रहा है। 60 लोग मिलके, मैं 60 में ये भी मान रहा हूं, देखिए कितनी कंजर्वेटिव बात कर रहा हूं मैं,
कि 60 लोगों में 50% दुकानें आपकी बंद हो गई। कितनी बंद हो गई? 50% लोगों ने काम ही नहीं किया। बेशक आपने उनकी खूब अच्छे से मेहनत करी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था, हम सिखा सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन लीडर इच्छा शक्ति से बनता है। कोई लोग के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती, कई लोग स्ट्रगल नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। और ये सत्य कभी हटाया नहीं जा सकता, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि आप जो नेटवर्क बना रहे हैं उसमें से 50% काम करना छोड़ देता है और सिर्फ 50% लोग एक्टिव हैं। यानी अगर 60 लोगों की टीम थी तो सिर्फ 30 दुकानें चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 30 चल रही हैं। और आपने क्या बोला कि मैं कितना यूज करूंगा? आपने कहा कि मैं, हमारी शॉप कितने का बिजनेस करेगी? कितने का बिजनेस करेगी? 10,000 का। लेकिन मैं और कंजर्वेटिव हो जाता हूं, मैं कहता हूं छोड़ो, आप 10 फैमिलीज के साथ नहीं कर पाए, पर अपने 2,500 की जिम्मेदारी तो लोगे। पर ये मैं सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपकी आंखें खोलने के लिए कर रहा हूं। अगर आपकी दुकान, आपका डुप्लीकेशन 10,000 का जाता है तो जो नीचे चेक बनेगा उसको 4 गुना कर लेना, ये आपके हाथ में है। लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। कोई बोले यार मैं तो ले आऊंगा 10 फैमिली नहीं कर सकता, ठीक है, यूजर की तुमने यूजर्स का नेटवर्क बना लिया। मजेदार बात तब है कि आप गैलवे स्टोर का नेटवर्क बनाओ, लेकिन अगर आप यूजर का भी बनाओगे कि मैं ही यूजर हूं, 2,500 के प्रोडक्ट का और मेरी टीम में सारे यूजर हैं, उसका चार्ट है ये। इट्स अ पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा मान लीजिए आप 2,500 का सेल्फ यूज करते हैं, ठीक, और मैं कहता हूं जो भी टर्नओवर होती है उसका सिर्फ 1% कमाते हैं। अभी आपने 7,000 का चेक कैलकुलेट किया था, मगर मैंने आपको यहां पे सिर्फ 750 रुपए का चेक कैलकुलेट कराया। इससे ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकता है क्या? हेलो, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है? मैं आपको एक लीडर की दृष्टि दिखा रहा हूं कि लीडर एक विजनरी होता है, दूर तक देखता है और दूर तक देख के समझने का प्रयास करता है कि जो अवसर मेरे पास आया उसमें ताकत कितनी है। मैं ये ताकत आपको दिखाना चाहता हूं आज, क्योंकि जब तक आपके पास वो आंखें नहीं है जो आगे देखती हैं, आप उसमें उतने एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं जितनी जरूरी है। इसलिए लीडर विजन पे बहुत काम करता है। अभी तक मैं आपको खाली विजन ही समझा रहा हूं, कल से विजन चल रहा है और विजन में देखने के बाद हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। क्या आप जान रहे हैं कि हम अभी तक विजन पे बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब देखिए 750 रुपए की इनकम है और अगर मैं इसको यहां पे एक 0.5% डालिए, अगर आप टर्नओवर का सिर्फ 0.5% कमाते हैं, मैं बिजनेस प्लान की डिटेल में ही नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 0.5%, तो आपका चेक कितने का बनेगा? 375 रुपए का। मैं आपको कॉमन सेंस से कैलकुलेट, क्योंकि बिजनेस प्लान में जाएंगे तो बहुत लंबा नेटवर्क बनेगा। अगर आपके नीचे 60 लोगों की टीम है तो क्या आपका 375 रुपए का भी चेक नहीं बनता? प्लान में बनता कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो मैं उस फिगर को उठा रहा हूं जो प्रैक्टिकल से भी नीचे है। अगर इस फिगर को आप देखें और अब आप देखिएगा कितना बिजनेस बनता है। अब नीचे आइए, 5 साल 61वें महीने पे ले जाइए नीचे। ये कैलकुलेशन चल रही है, सारी चल रही है, जाइए और ऊपर ले लीजिए। हाँ, यहां ले आइए। अब देखिए, जब आप इसी तरीके से चले कि आपका नेटवर्क सिर्फ 20% से ग्रो करे, कितने परसेंट से, तो आपके नेटवर्क में 61वें महीने में 16,30,426 लोग होंगे और जिसमें से 8,15,213 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक। अब एक काम करो प्रदीप, इसको और कंजर्वेटिव करो, ये जो ग्रोथ है इसको तुम ले जाओ 18% पे। जैसे ही आप 18% करते हैं ये फिगर पहुंच जाती है 6,25,525। देखिए ग्रोथ में कितनी ताकत है। सिर्फ 2% की ग्रोथ गिराने से आपका नेटवर्क कितना नीचे आ गया। और एक नेटवर्क कंसिस्टेंटली ग्रोथ करता है ये किस पे निर्भर करता है? कौन जवाब देगा? मैंने कल बताया था,
जिस नेटवर्क में नेटवर्क की ग्रोथ के साथ साथ लीडर मल्टीप्लाई नहीं होते, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये मैं सब आपको सिखाऊंगा कि कैसे लीडर ग्रो होता है, कैसे लीडर अपने आप ऑटोमेटिकली फैक्ट्री में बनता है, कैसे लीडर मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने आपको बड़ा बताया था, नेटवर्किंग लोगों का ट्री बनाने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्किंग लीडर्स का ट्री बनाने का बिजनेस है। इस कहावत को लिख लेना, चेतन आंडा ने बोला है। नेटवर्किंग लीडर्स का ट्री बनाने का बिजनेस है। आप अपनी कॉपी में जब नेटवर्क का ट्री बनाते हैं, अगर उसके बीच में आपको चमकते सितारे दिखाई नहीं देते हैं, अगर आपको चमकते लीडर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो ट्री किसी काम का नहीं है। उनमें ऐसी फिगर्स कभी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप उसमें चमकते सितारे देखते हैं, तो इस फिगर को आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक। अब आप देखिए, 312,762 लोगों का नेटवर्क होगा अगर आप 18% से ग्रो करते हैं। 15% करना, 15% करते हैं तो आपका नेटवर्क होगा 144,128 लोगों का, और आपके 72,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। कितने होंगे? आप ऐसे मानिए कि आपके 72,000 कस्टमर हैं। कितने कस्टमर हैं? 72,000 कस्टमर हैं, जो हर महीने 2,500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे या 10,000 का खरीदेंगे, ये डिपेंड करता है आप कैसी मास्टर कॉपी बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगर ये 72,064 लोग 2,500 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपका 1% से जो मंथली इनकम बनेगा, वो बनेगा 18,01,600। और अगर 0.5% इनकम है तो भी 9,00,000। और ये इनकम मंथली है। और अगर देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, ध्यान से समझना, अगर आपके ये लोग, जो भी आपका नेटवर्क है, अगर आपने कस्टमर को भगवान बनाया है, अगर आप उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप ख्याल रख रहे हैं, और हर व्यक्ति का ये कल्चर है, नेटवर्क का ये कल्चर है कि हमें अपने 10 परिवारों का ख्याल रखना है, और सब लोग यूजर हैं, ये जो इनकम है ये परमानेंट है। ये इनकम इतनी परमानेंट है कि ये बिजनेस आप अपने बच्चों को देके जा सकते हो, बड़ी शान से कह सकते हो कि तेरे बाप ने बेटा मेहनत कर करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, और हर परिवार में तेरे पापा के हाथ से गुजरा हुआ प्रोडक्ट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लक्ष्मी की वर्षा होती है। और संतोष, मैंने कल 4 खुशियां बोली थी। ये लोग जो आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे, उनका जीवन बदलने का एहसास आपके पास होगा, आपको संतोष मिलेगा, आपके हाथ में शुभ लक्ष्मी आएगी, क्योंकि आप राज और गीता को मार्केट की कीमत से सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी भी बचत हो रही है, और आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो परमार्थ का काम है। आप लोगों का जीवन बदल रहे हैं, क्योंकि आपने लोगों की सोच बदली है, उन्हें पॉजिटिव बोलना सिखाया, पॉजिटिव सोचना सिखाया, उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा दी है, आपने उनके घर में खुशियों की एनर्जी दी है, इसकी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। और जो हमारा कल्चर है, उनको जब इतने सारे दोस्त मिलेंगे, उसकी खुशियां आप देंगे। ग्लेज में वो 4 खुशियां देने की ताकत है जो कल समझाई थी हमने। एक बार ये भी फिगर दिखा दूं कि अगर 10,000 की दुकान चलेगी तो कितनी इनकम आएगी। हाँ, जरा प्रदीप जी करना, ये 2,500 को 10,000। अगर आपका इसी नेटवर्क के अंदर सेम साइज सेम मेहनत, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इस ताकत को समझिए। जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन करेगी, क्योंकि लीडर जो है वो लीड करता है बाय एग्जांपल। अगर आप ऐसी दुकान का डुप्लीकेशन करेंगे जिसमें 10,000 रुपए का हर महीने बिजनेस होता है, तो उसके लिए एक बार सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सोच के देखिए, 10 परिवार, 10 फोन, 10 बार उनके घर जाना,
10 बार उनकी बात सुनना और उसके बाद उनके ऑर्डर्स लेना, उनको प्रोडक्ट पहुंचाना, उनको किसी होली दिवाली रक्षाबंधन पर कोई छोटा सा गिफ्ट दे के आना, उनसे बातें करना और विनम्र भाव से उनकी हेल्प करना। ये सब काम अगर आप 10 परिवारों से करते हैं तो उसका नतीजे का फर्क देखिएगा। या तो आप 18 लाख रुपए का चेक कमाएंगे या फिर आप 72 लाख रुपए का चेक कमाएंगे। अगर आपका बिजनेस 2500 यूजर का है तो 18 लाख और 10,000 वाला है तो 72 लाख। तय करना है आपको कि आप कैसी वाली ब्रिक बनना चाहते हैं, कैसी मास्टर कॉपी बनना चाहते हैं। आप बदलाव के आप दुनिया से कंपीट नहीं कर सकते। बदलाव बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग को, अपने मन को प्रिपेयर करें कि आप बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आपको हिंदुस्तान में नंबर वन कंपनी बनना है या आपको विदेशों में अपना नाम रोशन करना है या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप नंबर वन कंपनी बन सके तो और भी बड़ा ड्रीम है, और भी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, हम हिंदुस्तान के अंदर नंबर वन कंपनी बनने के बहुत करीब है। अगर हम बदलाव को सकारात्मक तरीके से लेंगे तो हमें हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चेतन सर आपको बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को, अपने मन को रेडी कीजिए, बदलाव के लिए तैयार रहें, उसके लिए एफर्ट करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।